Well, 1993 blast accused Yakub Memon is likely to be hanged on the 30th of July if his mercy petition is turned down by the Supreme Court. Maharashtra Chief Minister has said the state will abide by the Supreme Court's order. याकूब मेमन के संदर्भ में ये खबर आ रही है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने के पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और उस फैसले के अनुरूप राज्य सरकार कार्रवाई करेगी. जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिए हैं उसका पूरा पालन राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा और उचित समय पर आपको इसकी जानकारी दी जाएगी. This would be the historic moment when ultimately Yakub Memon will be hanged to death. Historic moment for two reasons. Because in 1993 blast, we have established by cogent evidence that a criminal conspiracy was hatched outside India, that is in Dubai, and the person like Daud Ibrahim, Tiger Memon and 3 to 4 Pakistani national had participated in the criminal conspiracy. सजा उसको जरूर मिलना चाहिए जिन्होंने कोई गलती किया है. परंतु मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि याकूब मेमन ने का इस पूरे चार्जशीट में याकूब मेमन ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे याकूब मेमन गुनहगार हो. लेकिन कोर्ट फैसला वही देती है जिस तरह से एजेंसी, जांच एजेंसी जिस तरह केस को सामने प्रोड्यूस करती है. जांच एजेंसी ने इस केस को सही तरह से प्रोड्यूस नहीं किया. मुझे नहीं लगता कि इसको फांसी